जाएंगे फ्रेंड आप थोड़ा बता दीजिए किस लिए मिल रहे हम लोग, अभी सार बता दीजिए किस लिए मिल रहे हैं, बता दीजिए किस वजह से, कोई भी बता दीजिए इकट्ठा हुए हैं। देखिए ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है और इसका मकसद ये कि देश के अलग अलग हिस्सों में पत्रकारों पर जिस तरह का दमन किया जा रहा है इसकी तीन मिसालें हमारे सामने हैं। जिस तरह से दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस ने खुलेआम पत्रकारों के साथ बदतमीजी की, जिस तरह से मध्य प्रदेश में संदीप शर्मा जो कि सैंड माइनिंग माफिया के खिलाफ स्टोरी कर रहे थे उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया, या जिस तरह से बिहार में दो पत्रकारों को मार दिया गया। और देखिए ऐसा नहीं है, ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है, चाहे गौरी लंकेश हो या जिस तरह से भौमिक को त्रिपुरा में मारा गया, ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है किस तरह से पत्रकारों को टारगेट किया जाता है। और देखिए हम ये नहीं भूल सकते, ये वो पत्रकार है जिस पत्रकार को या दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी द्वारा वो पत्रकार भीड़ में जाकर जो है सोचा कर रहा है, फोटो ले रहा है, ये वो पत्रकार है जो बगैर अपनी जान की परवाह किए बगैर आप तक वो तस्वीर वो साउंड बाइट या वो खबर बना रहा है। और अगर ऐसे पत्रकार के साथ हम नहीं है, ऐसे पत्रकार के साथ इस देश का समाज नहीं है तो बहुत चिंता की बात है। कि सही मायनों में यही पत्रकार जो है वो अगर मैं कहूं गलत नीतियों के खिलाफ बगैर डरे आवाज उठा सकता है। और ये वजह कि आज सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं, ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है और ये सिलसिला लगातार जारी है और मौन रखेंगे हम कुछ देर के लिए इस। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश बिहार में पूर्व में पत्रकारों की हत्या की जा रही है, ये देश में एक ट्रेंड बन है और इस पे रोक लगनी चाहिए, सरकार को एक कानून लेकर आए। हमने अपनी सब कलम आज रख दिए, आज कलम रख दिए, माइक रख दिए, कैमरे रख दिए, इससे बड़ी और बेशर्मी की क्या बात होगी उन लोगों के लिए, उन हुकूमत के लिए जो अभी तक नाकाम है ऐसे गुंडे माफियाओं को रोक पाने में, जिन्होंने आज तक पत्रकारों को ही निशाना बनाया है, सॉफ्ट टारगेट संकल्प बाइट कर ले।